हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद अबी, योर टेक्निकल एनालिस्ट एट केएसबी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। सेक्टर इन रिव्यू आज जो हम करेंगे वो करेंगे सीमेंट सेक्टर का। और सीमेंट सेक्टर में ऑब्वियसली बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि पब्लिकली लिस्टेड हैं, बट हमारा जो फोकस रहेगा वो फोकस होगा जो KMI 30 इंडेक्स हैं, जो शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट हैं, शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं, और जो KMI 30 इंडेक्स और KMI ऑल शेयर इंडेक्स में आती हैं, उन कंपनीज के बारे में, उन सीमेंट की कंपनीज के बारे में हम जो है वो फंडामेंटली और टेक्निकली बात करेंगे। फंडामेंटली जो है वो हम डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंटली सीमेंट के जो हमारे पास सेल्स की ग्रोथ है, और ऑब्वियसली हर कंपनी के जो अभी रिजल्ट सीजन है तो क्वार्टरली बेसिस पे क्या रिजल्ट आ रहे हैं, फंडामेंटली हम वो डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ आई विल बी डिस्कसिंग एंड शोइंग यू द टेक्निकल परस्पेक्टिव, टेक्निकल इस वक्त उनकी क्या इंडिकेशन है, उनके हिस्टोरिकल डेटा से हम आगे आने वाले टाइम में उनके क्या ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन सी प्राइस पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कौन कौन से टारगेट्स हम रख सकते हैं। तो एक्यूमुलेशन, शॉर्ट टर्म टारगेट, लॉन्ग टर्म टारगेट्स, एज एन इन्वेस्टर ट्रेडर हम क्या देखते हैं, और किन लेवल्स पे सपोर्ट है, कहाँ लास्ट उन्होंने अपनी जो है वो सपोर्ट दिखाई थी, तो वो सारी बात इस वीडियो में होगी। सो इस वीडियो को जो है वो कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा, इसमें एट द एंड ऑब्वियसली आपका ही फ़ायदा है। तमाम स्क्रिप्ट्स की वैल्यूएशन हम करेंगे, तो अगर आप इन के पोर्टफोलियो में इनमें से कोई कंपनी के शेयर्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, तो उसके हवाले से आपको फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में थोड़ी डिटेल में मिल जाएगी। स्टार्ट कर लें। ऑब्वियसली अगर हम KMI 30 इंडेक्स और KMI ऑल शेयर इंडेक्स की बात करें तो हम देख सकते हैं हमारे पास MLCF, पावर सीमेंट, दीवान सीमेंट, फौजी सीमेंट, डिजी खान, पाइनियर, फ्लाइंग, चिराट सीमेंट, लकी सीमेंट, गरीबाल, ठट्टा सीमेंट एंड द लिस्ट गोज ऑन। बट हम बात करेंगे टॉप जो KMI 30 इंडेक्स जो शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट हैं उनकी, और स्टार्ट कर लें। तो स्टार्ट में हम ऑब्वियसली सेक्टर का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम सिक्स मंथ्स और ईयरली ईयर के हिसाब से जो परसेंटेज रिटर्न है हमारे पास, हम उसकी थोड़ी सी जो है वो फंडामेंटली उस पर नज़र डाल लेते हैं। इस वक्त अगर हम बात करें ऑब्वियसली सिक्स मंथ्स और वन ईयर के रिटर्न के हिसाब से, तो पाइनियर सीमेंट का सबसे अच्छा इस वक्त रिटर्न है ईयरली बेसिस पे 343.98%। ऑब्वियसली ये डेटा जो है अपडेट होता रहता है टाइम टू टाइम, एंड उसके हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद गरीबाल सीमेंट है, देन देयर इज चिराट सीमेंट, फिर कोहाट सीमेंट की अगर हम बात करें, डीजी खान है, मेपल है, अटक सीमेंट का भी काफ़ी अच्छा है, बेस्ट वे सीमेंट बहुत ज़्यादा मार्केट में नोन नहीं है बट ये कि इन्वेस्टर्स फिर भी इसमें ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करते हैं, लकी सीमेंट है, पावर सीमेंट हम देख सकते हैं 9 से 11 रुपये जाता है, 11 रुपये से फिर वापस आ जाता है। सो ओवरऑल एंड द लिस्ट गोज ऑन। अगर आप KSB के क्लाइंट हैं, यू कैन ईजिली एक्सेस दिस इन्फॉर्मेशन। आपने जाना है मार्केट ओवरव्यू में, उसके बाद देन यू हैव टू सेलेक्ट सेक्टर्स ओवरव्यू, और सेक्टर्स ओवरव्यू में आपने जो है सेक्टर वाइज तमाम आप इन्फॉर्मेशन हर सेक्टर की यहाँ से निकाल सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो वेटेज है उसके हिसाब से सेक्टर ने रिव्यू कर रहा हूँ। मंडे को कमर्शियल बैंक, ट्यूजडे को ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, और आज हम सीमेंट की बात करेंगे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर हम बात करें तो 191.16 माइनस में इस वक्त हमारे पास इसकी रेटिंग आ रही है, विच इंडिकेट्स के मेजॉरिटी कंपनीज के स्ट्रिप्स ऐसे हैं जिनकी जो वैल्यूएशन है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि अंडर प्राइज है, विच मीन्स कि उनके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हमें नज़र आता है। सो अगेन प्राइस टू अर्निंग रेशियो, बहुत सारे लोग इन्वेस्टर ऐसे जिनको उसके बारे में नई इन्फॉर्मेशन होती, फंडामेंटल पी स्लैश ही अगर हम बात करें, सो इसमें हम बहुत छोटी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है। फॉर कंपनी हैज़ अ हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इन्वेस्टर्स आर पेइंग अ हायर प्राइस फॉर द स्टॉक, विच मीन्स कि अगर कंपनी के अगर हायर प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, सो इसका मतलब कि इन्वेस्टर्स ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं उसके शेयर प्राइस को खरीदने के लिए, एज कम्पेयर टू इट्स अर्निंग के हिसाब से ज़्यादा पेमेंट की जा रही है। बट वही बात है, इफ़ अ कंपनी हैज़ अ लोअर प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यू गेट मोर अर्निंग्स फॉर योर इन्वेस्टमेंट। लोअर प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है तो आपको ज़्यादा ऑब्वियसली रिटर्न मिलता है इन्वेस्टमेंट, बट ये फिक्स नहीं होता, गारंटी नहीं होता। दिस मेक्स अ लो प्राइस टू अर्निंग स्टॉक अ गुड वैल्यू, बट इट कैन ऑल्सो सिंपली इंडिकेट दैट इन्वेस्टर्स आर इन वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द कंपनीज प्रोस्पेक्ट्स। एक जो है नॉर्मल एवरेज का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आता है, 1-3 का भी आता है, तो वो एक अच्छी प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहलाती है कंपनी के बारे में, और अंडर वैल्यूड नहीं होती या बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं होती वो कंपनी, उसका स्क्रिप्ट जो होता है। सो बहुत ज़्यादा लोअर प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी जो है इन्वेस्टर्स के लिए इतना फायदेमंद नहीं होता, और बहुत ज़्यादा हायर प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता, तो एक एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो होना चाहिए कंपनीज का, कि उसमें ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ के हिसाब से उसका रिटर्न हमें पता चलता रहे।
बात कर लें अपने सबसे पहले स्क्रिप्ट की, सो दैट इज मेपल लीफ सीमेंट। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मार्केट में इसका नाम लिया जाता है, इन्वेस्टर्स का बहुत फेवरेट आइटम है। रिसेंटली हम देख सकते हैं ड्यू टू विंटर सीजन सेल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी, और वही चीज़ हम देख सकते हैं कि मेजॉरिटी इस वक्त जो मार्केट का ट्रेंड है वो थोड़ा सा इस वक्त स्लो हमें नजर आ रहा है। इस सेक्टर के अंदर वॉल्यूम भी थोड़ा स्लो है, एंड दैट दैट वाज बाउंड टू हैपन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि विंटर सीजन है। इनकमिंग जो समर सीजन है, स्प्रिंग सीजन है, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि ऐसा ऐसा सेल्स बढ़ेंगी विच विल इंडिकेट मोर डिमांड एंड सप्लाई गेन। डिमांड एंड सप्लाई गेन बढ़ेगा तो कंपनीज के शेयर एंड प्राइस की भी वैल्यूएशन सामने आएगी जब अच्छे क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट्स आएंगे। मेपल लीफ की बात करें, इट इज़ ट्रेडिंग एट 47.60 रुपीज़। इसके अगर हम जो है वीकली बेसिस पे बात कर लें, सो वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अच्छे हमें सब रिटर्न शो कर रहा है, और 52 वीक्स की जो रेंज है वो इसकी 49 रुपीज़ की, विच इंडिकेट्स के 50 रुपीज़ का इसका नेक्स्ट टारगेट हमें नज़र आता है। फंडामेंटली बात कर लें, ऑब्वियसली जो हमारा जो एनुअली अगर हम देखें तो जो फिस्कल ईयर 2019 था उसमें पॉजिटिव रिजल्ट था, बट ड्यू टू पेंडेमिक जो है सेल्स भी डिक्लाइन की हैं और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो भी कम हमारे पास नज़र आया। बट ऐसा ऐसा क्वार्टरली बेसिस पे जैसे ही हिसाब किताब रिज्यूम हो रहे हैं तो वो शेयर प्राइस की हम अर्निंग देख सकते हैं और ग्रोथ भी हम देख सकते हैं फ्रॉम प्रीवियस क्वार्टर। इस वक्त अगर हम बात करें क्वार्टरली बेसिस पे तो 158% का इसने गेन किया है, सेल्स भी इंक्रीज हुई हैं, और अर्निंग पर शेयर जो इस क्वार्टर आया है, सेकेंड क्वार्टर फिस्कल ईयर 2021, वो हमारे पास 0.73 का आया है। इसी तरह अगर हम बात कर लें कुछ अनाउंसमेंट्स की, तो हम देख सकते हैं कि बोर्ड मीटिंग वगैरह भी हुई है, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें मटीरियल इन्फॉर्मेशन आती रहती है जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज होता रहता है। टेक्निकली बात कर लें तो टेक्निकली हम देख सकते हैं कि इसका एक सर्टेन डिक्लाइन हमने देखा था फ्रॉम 2019 बैकवर्ड्स अगर हम जाएं तो 79, 80, 100 रुपीज़ का ये स्क्रिप हुआ करता था, वहाँ से कंटिन्यूस हमने डिक्लाइन देखा। एंड वो डिक्लाइन जो है हमारी इंटीग्रेशन जो आ रही थी वो इसलिए आ रही थी कि जो 20 डेज मूविंग एवरेज है, ये जो रेड लाइन आप देख सकते हैं, रेड लाइन के नीचे जो है वो स्क्रिप ट्रेड कर रहा था, और जब तक 200 डेज मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म 200 दिन का जो एवरेज है उसके नीचे जब भी कैंडल की कोई भी स्क्रिप उसकी वैल्यूएशन ट्रेड करती रहती है तो वो डाउन ट्रेंड में ही रहता है। रिसेंटली 2020 जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर अगर हम देखें तो उसके बाद जो हमारा अभी लास्ट हमारे पास जो रिजल्ट्स आना शुरू हैं 2020 के स्टार्ट में, तो हम देख सकते हैं कि वहाँ से इसने एक अच्छा जो है राइज देखा, और 200 डेज मूविंग एवरेज जो है रेड लाइन उसके ऊपर अब ये ट्रेड करा है, विच इंडिकेट्स के लॉन्ग टर्म बेसिस पे मेपल लीफ सीमेंट की जो टेक्निकल वर्किंग है, जो इंडिकेशन है, वो हमारे पास काफ़ी अच्छी पॉजिटिव नज़र आ रही है। 16.52 रुपीज़ पे लास्ट हमें अप्रैल में मिल रहा था, और इसके जो नेक्स्ट टारगेट अगर हम देखें तो वो 50 रुपीज़ है, 49.70, देन 55, 60 एंड देन 72, 80 रुपीज़ का इसका लॉन्ग टर्म टारगेट हम देख सकते हैं। एक और स्ट्रिप की बात करें, गरीबवाल सीमेंट 45.50 रुपीज़ की ट्रेडिंग हो रही है। अगर हम इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो पिछले फिस्कल ईयर की जो क्लोजिंग है 2020 क्वार्टर फोर्थ एंड फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर अच्छी अर्निंग पर शेयर हमें नज़र आ रही है 1.09 की। टेक्निकली बात कर लें तो टेक्निकली हम देख सकते हैं कि मैंने आपको मेंशन किया कि जो इसका डाउनवर्ड फेज था वो भी मैंने मेंशन किया, आप देख सकते हैं 200 डेज की जो मूविंग एवरेज है रेड लाइन उसके नीचे ट्रेड कर रहा था, बट सिंस मई अप्रैल ऑनवर्ड्स जो इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है तो वो हम देख सकते हैं कि 8, 9, 10 रुपये का मिलता था, उसके बाद से जो मोमेंटम सीमेंट सेक्टर की वजह से ग्रोथ हमने देखी है। सो नाउ इट इज़ एंट्रिंग इन द हिस्टोरिकल हाई फेज। हिस्टोरिकल हाई फेज इसका है 67 रुपीज़ से 48 रुपीज़ का, तो इसका ट्रेंड आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो इसका ट्रेंड हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है वो अब 48 रुपीज़ इसका नेक्स्ट टारगेट इसका हमारे सामने नज़र आता हुआ दिख रहा है। 45 रुपीज़ 50 पे ट्रेड कर रहा है, नेक्स्ट टारगेट इसका 48 रुपीज़ है, वहाँ से थोड़ी बहुत इसको रिजेक्शन मिल सकेगी, प्रॉफिट टेकिंग होगी, बट इसका नेक्स्ट जो लॉन्ग टर्म टारगेट है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं सीमेंट सेक्टर में, जो कि हम सजेस्ट भी करें कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखें सीमेंट सेक्टर में, तो 60 रुपीज़ से लेकर 70 रुपीज़ तक इसका नेक्स्ट हिस्टोरिकल टारगेट है। तीसरे स्ट्रिप की बात कर लें, सो दैट इज़ पावर सीमेंट। एंड अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड कि थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी, बट तमाम एनालिसिस आप देखेंगे इसमें आपका ही फायदा है। पावर सीमेंट की अगर हम बात कर लें, 9 से 11 रुपये इसका हाई हमने देखा है, और उसके बाद ये नीचे आ जाता था। राइट नाउ इट इज़ ट्रेडिंग क्लोज टू 11 रुपीज़ अगैन, और इसकी 52 वीक्स की जो रेंज है वो 12 रुपये की है, विच मीन्स 11 रुपये का अब लेवल तोड़ के 12 रुपये तक जा सकता है। परफॉर्मेंस वाइज बात कर लें तो इस क्वार्टर जो क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर का जो अब रिजल्ट आना शुरू हुआ है
सेकेंड क्वार्टर फिस्कल 21, उसमें हम देख सकते हैं कि अब ऐसा ऐसा अर्निंग, जो अर्निंग पर शेयर है, ईपीएस जो रिजल्ट्स है, इनके ग्रोथ है वो बड़ी है। ग्रोथ बढ़ने से ऑब्वियसली शेयर प्राइस में भी इंक्रीज देख सकते हैं और अर्निंग पर शेयर भी हमारे पास इस क्वार्टर में पॉजिटिव आई है। टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में भी आप देख सकते हैं कि इसका भी लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड था। फ्रॉम 20 रुपीज ऑनवर्ड इसको हम देख सकते हैं नीचे ट्रेड कर रहा था, बट सिंस मे ऑनवर्ड इसके हमने यहाँ से राइज देखा 4 to 5 रुपीज से, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 11.86 रुपीज पे है और 10.50 रुपीज से दोबारा ये बाउंस बैक करता हुआ नजर आया। ट्रेंड जो हम देख सकते हैं वो ट्रेजिक्ट्री जो है वो इसकी ऊपर की तरफ है। फर्स्ट टारगेट प्राइस से अगर हम बात करें वो है 13 रुपीज की, उसको सस्टेन करता है, उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो देन 15 रुपीज, और अगर लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो 20 रुपीज तक की इसके लॉन्ग टर्म जो है वो नेक्स्ट टारगेट है। एक और सेट की बात कर लें, ठट्टा सीमेंट वीकली बेसिस पे 3.8% ओवरसोल्ड है, 18.90 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट जो इसका 52 वीक्स की रेंज है वो 25 रुपीज़ तक ये जा सकता है। हिस्टोरिकल हाई की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकल हाई जो है वो इसका 48 to 50 रुपीज़ हमें इसका जो है लास्ट हमने देखा है बैक इन 2017-2018। और सो अर्निंग पर शेयर की बात कर लें तो पिछले क्वार्टर से हम देख सकते हैं कि नेगेटिव रिजल्ट था, तो इस क्वार्टर में जो सेकंड क्वार्टर है तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आई है 0.79, जो कि इंडिकेशन दे रही है कि ऐसा ऐसा कंपनी के अंदर अच्छी सेल्स ग्रोथ की वजह से अर्निंग पर शेयर प्रॉपर हो रही है। इसमें भी हम टेक्निकल पे बात कर लें तो हम देख सकते हैं कि 5.83 का इसने लो बनाया था सेप्टेम्बर फिस्कल ईयर 2019 में, उसके बाद से ऐसा ऐसा इसने भी अपना जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज जो है वो ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद ऑब्वियसली तो गरीबा इसकी ठट्टा सीमेंट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इसने भी अपना जो डाउनवर्ड फेज है उसको तोड़ के जो 16.95 है इसकी फर्स्ट सपोर्ट है उसको ब्रेक किया है एंड इट इज ट्रेडिंग अराउंड 19 रुपीज़, और वहाँ से जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है विच मीन्स कि 26 रुपीज़ पे इसको रिजेक्शन मिली थी जहाँ से इसने अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यूशन किया था, तो 26 रुपये इसका मेन टारगेट रखना चाहिए। रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 36 रुपये तक इसका जो है नेक्स्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके आप इसका नेक्स्ट टारगेट देख सकते हैं। हिस्टोरिकल हाई जो है वो 50.69 है, विच इंडिकेट्स के अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप जाते हैं नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट 3 quarters, 4 quarters या नेक्स्ट फिस्कल ईयर अगर हम जाएं और इसी तरह सेल्स बढ़ती रहें, सीमेंट की ग्रोथ बढ़ती रहे, तो काफ़ी अच्छी इसकी भी प्राइस हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि शरिया कंप्लाइंस स्क्रिप है, सेफ साइड इन्वेस्टमेंट होती है इन स्क्रिप्स के अंदर, कंपनीज के अंदर। अब बात कर लें चिराट सीमेंट की, चिराट सीमेंट इज ट्रेडिंग एट 182 रुपीज। इसकी अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो हम देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस फिस्कल ईयर। फर्स्ट क्वार्टर में हम देख सकते हैं इसकी ग्रोथ, और लेट्स जस्ट इसकी अगर हम प्रीवियस अर्निंग पर शेयर की रिजल्ट डालें तो फर्स्ट क्वार्टर में इसका 1.59 का ईपीएस हमारे सामने आया था, अर्निंग पर शेयर आई थी, और इस टाइम जो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आई है वो है 4.22, विच मीन्स कि तकरीबन 3 रुपए का जो है इसने अर्निंग पर शेयर दिखाया है, इंक्रीज दिखाया है सिर्फ क्वार्टरली बेसिस पे, विच मीन्स कि ऑब्वियसली सेल्स इंक्रीज हुई हैं और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से भी काफ़ी अच्छा रिटर्न हम इसके अंदर देख सकते हैं। सो जो 5 ईयर इसका हाई है, हिस्टोरिकल हाई, दैट इज़ अराउंड 214 रुपीज़ मार्क, और उसको ब्रेक करने के लिए यहाँ से जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो चिराट सीमेंट फॉर मी टेक्निकली आई वुड सजेस्ट कि बहुत अच्छा स्क्रिप है, इसको ज़रूर थोड़ी बहुत इसकी शेयर्स को एक्यूमलेट करके रखना चाहिए। इट इज़ माई पर्सनल सजेशन इन चिराट सीमेंट। टेक्निकली बात कर लें तो टेक्निकली हम देख सकते हैं कि इट इज़ ट्रेडिंग अबव 200 डेज मूविंग एवरेज, 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ये ट्रेड करते हुए हमें इस वक्त नज़र आ रहा है, विच इंडिकेट्स कि इस वक्त जो इसका ट्रेंड है लॉन्ग टर्म फॉर द नेक्स्ट 200 डेज वो भी पॉजिटिव चलता हुआ नज़र आ रहा है। सपोर्ट है 140 रुपये पे जहाँ से इसने अभी रिसेंटली मोमेंटम अपना पकड़ा है, एंड यहाँ पैराबॉलिक इंडिकेशन आप देख सकते हैं, जो अप ट्रेंड की पैराबॉलिक इंडिकेशन है वो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रही है, विच मीन्स कि ये डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में आ रहा है, तो इसको ज़रूर एक्यूमलेट करके रखें बिकॉज नाउ इट इज़ टारगेटिंग द 214 रुपीज़ मार्क, और इसको ब्रेक करता है तो अपना नेक्स्ट हिस्टोरिकल हाई अप टू 250 रुपीज़, 300 रुपीज़ बना सकता है गोइंग इन टू द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। स्क्रिप्ट की बात कर लें, अगेन वन ऑफ
वन ऑफ वेल नोन लकी सीमेंट हमारे पास जो इसकी वैल्यूएशन है इन मार्च इट वाज अवेलेबल अराउंड 300 रुपीज, और जिसने मार्च से अभी तक इसको लेके रखा हुआ है वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रिटर्न उसको ईयरली बेसिस फिस्कल ईयर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मिल रहा होगा इस वक्त मार्केट के अंदर। अर्निंग पर शेयर की बात करें इसमें ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात ही नहीं, लकी हमें पता है दो उसकी मेन जो है वो होल्डिंग्स हैं, सीमेंट है एंड देन देयर्स किया मोटर्स, ऑटोमोबाइल में भी ग्रोथ हम देख सकते हैं। सो लकी सीमेंट इज़ अ वेरी सेफ साइड इन्वेस्टमेंट। अगर हम इसके टेक्निकल पे नज़र डालें तो टेक्निकली लकी सीमेंट जो है वो अपना 994 का जो इसका हिस्टोरिकल हाई है उसको टारगेट कर रहा है, एंड वी थिंक दैट इट विल ब्रेक द 994 रुपीज़ मार्क, 1000 रुपीज़ से अबव जो है वो श्योरली इन गोइंग इन टू द नेक्स्ट फिस्कल ईयर हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी एक तरीके से लॉन्ग टर्म अच्छी इन्वेस्टमेंट है। देन कम्स फ्लाइंग सीमेंट, आजकल काफ़ी जो है इसका मोमेंटम काफ़ी अच्छा चल रहा है मार्केट में, एंड इसके भी अगर हम 5 ईयर के हाई पे अगर नज़र डालें तो 20 रुपीज़, 20-25 रुपीज़ का इसने हाई बनाया था हिस्टोरिकल हाई। तो इस वक्त जो मोमेंटम है अगर हम देखें इसकी प्रॉफिट टेकिंग कहाँ बनती है, तो प्रॉफिट टेकिंग इसी सिनेरियो बनती है अराउंड 14 क्लोज टू 15 रुपीज़ मार्क, बिकॉज 52 वीक्स की इसकी जो रेंज है 6 रुपये 6.5 रुपये से वो इसकी पूरी होते हुए हमें नज़र आ रही है। ऑब्वियसली मैंने इस तरह बताया कि सेल्स ग्रोथ होती हैं, कंपनी को अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स मिलते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, तो ऐसे ऐसा जब फंडामेंटल्स अच्छे होना शुरू होते हैं तो उसकी शेयर प्राइस भी मार्केट के अंदर बेहतर होना शुरू होती है, इन्वेस्टर फिर उस कंपनी के शेयर्स को भी एक्यूमलेट करना शुरू करते हैं। तो सेकंड क्वार्टर में हम देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर जो इसकी आई है वो 0.74 आई है। टेक्निकली अगर इसकी बात कर लें तो टेक्निकली इट हैज़ ब्रोकन द डाउनवर्ड ट्रेंड, हम देख सकते हैं 23 रुपये से जो इसका नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था जो तकरीबन इसका 6 रुपये 6.5 रुपये तक आया था, उसके बाद हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हमें नज़र आ रही है, एंड इट हैज़ ब्रोकन द रेंज बाउंड सिचुएशन, 9 से 11 रुपये की भी जो इसकी रेंज बाउंड सिचुएशन थी वो इसने तोड़ी है, एंड इट इज़ नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट फॉर द टारगेट ऑफ 15.45। 15.45 का जो ये फेज़ है ये बहुत स्ट्रॉन्ग फेज़ है, बिकॉज यहाँ से हम देख सकते हैं कि 200 डेज मूविंग एवरेज से इसको जो कंसोलिडेशन के साथ साथ जो रिजेक्शन मिलना शुरू हुई तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड इसका हमने देखा फ्रॉम दिस लेवल 15 रुपीज़, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर आपके पास ये एक्यूमुलेशन है तो 15 रुपीज़ तक अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5000 शेयर्स हैं तो 50% शेयर्स मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग करें 15 रुपीज़ पे, और जो रिमेनिंग 50% शेयर्स रह जाएं उनको होल्ड करके रखें अगर वो नीचे की एवरेज प्राइस पे हैं 9, 10 या 11 रुपये की, ताकि 15 रुपये का सस्टेन करके जब 15 रुपये का बैरियर तोड़े तो आप 21 रुपये पे उसको जो रिमेनिंग आपके पास शेयर्स हैं उनकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकें। सो द सेकंड टारगेट इज 21 to 22 रुपीज़ एंड 23 रुपीज़ इसका हिस्टोरिकल हाई हमें नज़र आता है। बाकी अगर और रिमेनिंग 3 स्क्रिप्स की बात कर लें, फंडामेंटली अच्छे स्क्रिप्स हैं, डीजीकान सीमेंट है हमारे पास, इसके भी 5 ईयर का हाई अगर हम देखें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो वो 250 रुपीज़ तक जाती है। अर्निंग पर शेयर अगर हम देखें तो 2.63 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर इसने अपने जो अभी रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट आया फिस्कल ईयर 21 का उसमें इसने दिखाया है। एक और सेफ साइड स्क्रिप की बात कर लें, सो दैट इज फौजी सीमेंट, एंड फौजी सीमेंट जो है फिलहाल बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स के उसमें नहीं है, कंसर्न में नहीं है, बट एक तरीके से ऑब्वियसली शरिया कंप्लाइंट है, शरिया पे बेस्ड काम करते हैं, तो ये भी सेफ साइड बहुत अच्छी कंपनी है फौजी सीमेंट। हमें पता है फौजी फूड भी है और इसी तरह फौजी फर्टिलाइजर्स जो हैं, इसी तरह इनकी कंपनीज वगैरह भी हैं, तो काफ़ी अच्छा काफ़ी बड़ा नाम है, और ऐसे ऐसे इसकी मूवमेंट भी हिस्टोरिकल हाई है जो इसका 50 रुपीज़ का मार्क है उसको इन कमिंग क्वार्टर्स टच करते हुए हमें नज़र आता है। बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, 0.66 रुपीज़ पर शेयर इसका रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट आया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और स्क्रिप्ट की बात कर लें, दीवान सीमेंट DCL, वीकली बेसिस पे इट इज़ ओवरसोल्ड, बट ये है कि इसका भी 9 से 11 रुपये का मूवमेंट रहती थी हिस्टोरिकल हाई की। अगर बात करें तो 27-28 रुपये तक का ये हुआ करता था, और इससे ऊपर अगर हम जाएँ तो तकरीबन 40 रुपये तक का ये शेयर है, बट ऐसा ऐसा पॉसिबिलिटी बेहतर हो सकती है, बट इस वक्त रिसेंटली जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसका बहुत नेगेटिव आया एज़ कम्पेयर टू अगर हम प्रीवियसली इसके रिजल्ट की बात करें, फाइनेंशियल रिजल्ट अगर हम देखें तो प्रीवियस अर्निंग पर शेयर आई थी 0.25, लॉस पर शेयर आई थी सॉरी 0.24, और इस टाइम जो क्वार्टरली रिजल्ट आया वो 0.55 लॉस पर शेयर आया, विच इंडिकेट्स कि आप यहाँ देख सकते हैं ये कंटिन्यूस लॉस है, तभी बहुत ज़्यादा मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट नहीं है। सो दिस वॉज अ सेक्टर एंड रिव्यू, होपफुली ये भी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, लेंदी है, मैंने आपको पहले बताया था कि लेंदी वीडियो है, बट अगेन इफ़ यू कैन स्पेयर सम टाइम आप इन फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देख सकते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी
ये एजुकेशन आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगी, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस इंफॉर्मेशन से, इस एनालिसिस से आप लॉन्ग टर्म में अच्छे फ्यूचर जो है वो फ्यूचर गेंस फ्यूचर में जो है वो अच्छे गेंस निकाल सकेंगे इन स्क्रिप्ट के अंदर से। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अपने नेक्स्ट सेक्टर इंटरव्यू के साथ, विच विल बी, अगर हम बात करें नेक्स्ट सेक्टर की, सो दैट विल बी ऑफ फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट। ऑब्वियसली इसमें हम बड़ी बड़ी जितनी कंपनीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अपने नेक्स्ट सेक्टर इंटरव्यू के साथ। दिस इज मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।